दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीराबाई कौन थी, आखिर क्यों इनकी जयंती मनाई जाती है, ये कहाँ की रहने वाली हैं, इनकी शादी कब और किससे हुई और ये कैसे इतनी प्रसिद्ध हुई और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका, कवि व संत भी थी। दोस्तों, मीरा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी मोह के कारण ये उनकी भक्ति में जुट गई और आजीवन भक्ति में लीन रही। और दोस्तों, आज मीराबाई को महान भक्तों में से एक गिना जाता है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ एक जागीरदार थे और इनकी माता वीर कुमारी थी। दोस्तों, मीरा का पालन पोषण इनके दादा दादी ने किया। इनकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो ईश्वर में अत्यंत विश्वास रखती थी। दोस्तों, मीरा दादी माँ की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। दोस्तों, मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। दोस्तों, विवाह के एक दो साल बाद 1518 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा व उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। और दोस्तों, पति के शहीद होने के बाद ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। दोस्तों, मीराबाई का साधु संतों के साथ उठने बैठने व भजन गाने का कार्य इनके देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं आया। इन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है। परंतु दोस्तों, मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में ही आसक्त रही। विक्रमादित्य ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। दोस्तों, विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया। मीराबाई को मारने के उसके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को देखकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। दोस्तों, मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रहती थी। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन हो गई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1547 ईस्वी में ही वहीं रणछोड़ दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा था, परंतु बाहर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा।
तो दोस्तों मीराबाई जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।